ये देखिए अभी भी मेरे हाथ पांव काम। मैंने कब आप पे रो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। शदीद तबीयत खराब के बाद अब मैं हाजिर हूँ, और क्योंकि जितनी तबीयत खराब हो लेकिन आप YouTube फैमिली को तो मिस नहीं कर सकते। आपके साथ तो गपशप ना हो, आपको उसे वीडियो शेयर ना करे, आपसे अपनी लाइव शेयर ना करे तो दिन ही नहीं गुजरता। तो अब आज मजेदार से भी लोग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपकी रूटीन दिखाएंगे कि हमारी तबीयत खराब में कैसा हमारा दिन गुजरता रहा। शदीद बुखार और तकलीफ के बाद उठी हूँ आखिर, कुछ तबीयत में फ़र्क लगा है तो मैंने कहा कि व्लॉग बनाऊँ। कुछ घर के काम किए मैंने, देखें ये अब असर की अजानें हो रही हैं, उठा ही नहीं जा रहा था, बहुत फीवर था। सुबह दोपहर शाम मेडिसिन ले लेके सोती रही हूँ, तो फिर अब मैं उठी हूँ। टांग में मेरी एक दाना निकला है जो जिसकी वजह से बहुत फीवर हो रहा है और चलना बहुत मुश्किल हुआ हुआ था, तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ा है, माइनर सा। तो उठी हूँ क्योंकि अपनी कुकिंग, अपना खाना पीना, घर का समेटा खुद करना होता है। देखें किचन के बर्तन वगैरह मैंने धोए हैं, जहांगीर ने साथ दिया है, और साथ मैंने चिकन शोरबा बनाया। मैंने कहा चिकन शोरबा बनाऊँ, ये चिकन शोरबा बनाया है, और मैंने कहा क्योंकि बुखार था तो मैंने कहा शोरबे से ब्रेड लगा के खा लूँगी। सुबह भी ब्रेड खाई है, तो जहांगीर को रोटी बना देती हूँ, करना तो खुद है ना काम, तो ये करके अब जहांगीर और मैं फिर खाना खाते हैं। ये आज हफ्ता 24 अगस्त का ही व्लॉग है जो अभी तैयार हो रहा है और अभी मैंने अपलोड करना है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत शॉर्ट, दो दो मिनट, डेढ़ डेढ़ मिनट के व्लॉग डाल रही हैं, वो भी आप पूरा नहीं देखते। तो आपसे हाथ जोड़ के मिन्नत है कि आप पूरा व्लॉग देखा करें, अच्छा सा लाइक और कमेंट किया करें, तो आपका थैंक यू होगा। मेरा 8 मिनट का व्लॉग नहीं देख रहे तो 3 मिनट 1.5 मिनट का लगा देती होती हूँ। कुछ तबीयत भी ख़राब है, ये भी वजह है, तो कोई मसला नहीं है। आगे इंशाल्लाह मज़ेदार से भी लोग आएंगे आपके पास। हम क्योंकि कुछ प्रैंक भी तैयार कर रहे हैं, बहरहाल अभी खाने की तरफ बढ़ते, प्रैंक हैं और इसमें काफ़ी फ़नी वीडियोस तैयार कर रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और जहांगीर की सिस्टर की भी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं रोटी बना रही हूँ जहांगीर की, मैंने कहा रोटी बना लूँ अपने लिए। मैंने ब्रेड रखा है, इसको थोड़ा सा तवे पर ही सेक लूँगी, और साथ इस चिकन को कर दिया है, चिकन को गरम किया है मैंने, गर्मा गर्म चिकन हो गया है। और इस चिकन को कल, क्या कहते हैं, कल का ये बनना शुरू है। कल मैंने इसका मसाला बना के रखा, तबीयत ख़राब थी मैंने वापस रख दिया, फिर आज चिकन डाला और उसकी भुनाई वगैरह करके उसका शोरबा बनाया है मैंने। तो तबीयत जब ख़राब हो ना, इंसान किसी काम का नहीं रहता, बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया और उठ के अपना काम करने का किया। अल्लाह ताला सबको अपने हाथों से काम करने की तौफीक दे, किसी के मोहताजी ना दे। बस ये, बस मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? आप देख रहे होंगे मैं खाना ही खा रहा था, मारिया ने कहा जी मैं कैमरा ऑन करती हूँ वीडियो बना, तो मैंने कहा चलो जी शुरू हो जाओ फिर जो हमारा काम है। तो बात यह है कि मारिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया, मेरे मुंह में नमाजा है, मैं वो तो खा लूँ। खाएँ खाएँ आप। मारिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मारिया को इतना बड़ा है कि समझ लीजिए आम निकला हुआ, मैंगो निकला हुआ टांग के ऊपर, और जो है ना बुखार भी हो गया, इसके फीवर है बहुत ज़्यादा। और हालांकि मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, हम वहाँ भी नहीं जा सके, उन्हें पैक ट्यूब लगी है मेरी सिस्टर को, तो बस अब कल हमारा इरादा है वहाँ जाने का। खाना भी ऐसे, आपको मैं बताऊँ खाना हमने कैसे खाया है, खाना मारिया ने मुझे कैसे खिलाया, ऐसे फीका बीमारों वाला, खुद तो ये पेशेंट बनी हुई है, मुझे भी पेशेंट बना दिया, ये देखिए पेशेंट वाला खाना, ये फीका खाना खा रहा हूँ, फीकी यखनी। और बस जो है आप के दुआओं की जो है ना दुआ करते रहें, आप दुआओं के तलब गा रहे हैं आपके लिए, आपके देखा मेरे के खुद बोलना नहीं चाह रहा मैं, खुद असल में 2 दिन है ना आपने खाना, आपको सही नहीं मिला ना, आपसे अल्फाजात इधर उधर हो रहे हैं, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, परेशानी भी है और एनर्जी भी ख़त्म हो गई है, खाना भी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मारिया दे देती है मैं खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
बात यह है कि मैं क्यों कहूँ कि भाई मैं कोई ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन क्यों करूँ। मैं हाथ पांव मेरे कांपते हैं मारिया से, आपको पता तो है वैसे। ये देखें अभी भी मेरे हाथ पांव कांप। मैंने कब आप पे रोब डाला है? अच्छा जी, तो मैंने कोई बात की है? अब मैं देखा मेरी आवाज बिल्कुल बामे से और भी बोला जाएगा। आप देख लिया है ना, मुझे इजाजत दो भाई, मैं बात ही नहीं। चले, अल्लाह हाफिज़।